कि आंदोलन का क्या भविष्य होता है, आंदोलन तो होते रहते हैं और ये आंदोलन होते भी रहने चाहिए। सरकारों को आईना दिखाने के लिए आना भी चाहिए। अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, ये आप लोगों ने देख भी लिया। लेकिन आप लोगों ने 13 महीने संघर्ष करा सड़कों पर, आपको लगता कुछ मिला किसानों? नहीं मिला, सच्चाई ये नहीं मिला। पर एक चीज़ मिली, जो हम एकता बनाना चाह रहे थे, जो देश में नफरत का माहौल था उसमें सुधार हुआ, एकता बनी। ये चीज़ है जो सरकारें धर्म और जाति में लोगों को बांटती थी, उससे लोगों को बचने का एक सहारा मिला। दूसरा एक, जो लोग ये डरते थे कि हम आंदोलन करेंगे तो सरकार हमें जेल भेज देगी, जो आंदोलन करेगा उसे देशद्रोही कह देंगी, तो उससे लोगों को एक साहस मिला, आंदोलन करने का तरीके की जानकारी मिली। तो ये बहुत काम हुए हैं, लेकिन हाँ, जिस उद्देश्य से आंदोलन हुआ था वो नहीं हो पाया। ठीक है, साहब कह रहे हैं अगर सरकार बात नहीं मानती तो लगता आंदोलन फिर करना पड़ेगा। ठीक है, वो बिल्कुल ये होना भी चाहिए, अगर सरकार मुकरती है तो होना भी चाहिए और सरकार का पुरजोर विरोध होना चाहिए। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम दोबारा से लाएंगे कानूनों को, देखिए आपने भी सुना होगा। हाँ, मैंने सुना है। देखिए, यही तो एक दुर्भाषी बोलते हैं ये लोग। एक प्रधानमंत्री अपने कानून को वापस लेता है और उनका गृह मंत्री कहता है कि हम दोबारा ले आएंगे। अगर इस तरह के बयान देंगे तो किसकी जुबान पर विश्वास करे देश, प्रधानमंत्री की या गृह उसकी कृषि मंत्री की? तो क्या है, किसकी तरफ से दिया गया, क्या मतलब समझा इन बयानों? ये देखिए, ये क्या ये दिया गया है कि जो सरकार से नाराज थे किसान, उनको खुश करने के लिए कानून वापस ले लिए, और जो उद्योगपति थे जिनका पैसा लगा हुआ है उनको खुश करने के लिए कृषि मंत्री से बयान दिलवा दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ये शब्द दिखाया। आपको नहीं लग रहा हरिंदर जी की किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा धोखा है सरकार का, और ऐसी सरकारों को तो सबक सिखाना चाहिए। जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया था कि मिशन यूपी, मिशन पंजाब, मिशन उत्तराखंड ये चलने चाहिए, मैं तो कहता हूँ इसका इंतजार छोड़ देना चाहिए। स्टार्ट तो कहाँ कर रहे हैं वो, तो उन्होंने तो पार्टी बना ली संयुक्त मोर्चा। देखिए, जो चला गया मैं उसकी तो बात ही नहीं करता, बात उसकी करो जो है। तब तो संयुक्त मोर्चा तो टूटा ही समझा। नहीं, टूटना नहीं होता, जो छोड़ के जा सकता है जा सकता है, वो मैं भी हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। मेरे जाने से आंदोलन पर असर नहीं पड़ता या आपके जाने से आंदोलन पर असर नहीं पड़ता। अगर आंदोलन में एक व्यक्ति भी खड़ा है तो वो आंदोलन खड़ा है। अंदर जी, आपको नहीं लगता कि यूपी के, खासकर यूपी उत्तराखंड के किसानों की मेहनत बिल्कुल बेकार होगी, क्योंकि उनको MSP नहीं मिलती है? एक तरफ देखा जाए तो पंजाब के लोगों को थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ, उनके कानून वापस हो गए, लेकिन यूपी वालों को तो कुछ नहीं मिला ना। देखिए, अब ये जो हम अगर ये सोचेंगे कि मुझे नहीं मिला, इसे मिला, उसे नहीं मिला, उसे मिला, तो ये तो फिर वही हम लोगों में टूटने वाली बात हो जाएगी। वो मुझे मिला या आपको मिला, चाहे महाराष्ट्र को मिला, चाहे बंगाल को मिला, चाहे बिहार को मिला, चाहे जम्मू कश्मीर को मिला, मिला किसान को है, तो हमें ये देख के रखना। MSP तो नहीं मिली? MSP मिलेगी, मिलेगी, आज नहीं तो कल। अब कम से कम इस आंदोलन से भारत का हर किसान ये तो समझ गया कि MSP भी कोई चीज़ है, जिन्हें पता ही नहीं था। लेकिन लखीमपुर बारे कांड में दोषी पाए गए, इस्तीफा नहीं दिया। देखो, यही तो, हाँ बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सबसे बड़ी फेलियर है। देखो, हम लोग किसान हो गए। नहीं, किसान कभी कमजोर नहीं होगा, किसान मजदूर कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से लड़ते आए हैं। किसान और मजदूर एक इतनी मजबूत कौम है कि इसे कोई भी आज तक कमजोर नहीं कर पाया। इस्तीफा तो आप लोग मानते थे, आपने मांग आज भी रहे हैं, और ये प्रमुखता का मुद्दा है। मैं तो आज भी कहता हूँ, जब कहीं जाता हूँ मैं, वहीं सिर्फ मेरे चार, क्यों नहीं चार, है? आप तो साफ ही हो गया क्लियर कि उनके हथियार से गोली चली थी, सब चीज उन्हीं से हुआ है। सबसे बड़ा साजिश करता अजय टैनी है, अजय टैनी है, मौजूद नहीं था, उसके बेटा गाड़ी चला रहा था, ये तो पुलिस ने मान चुकी है। क्यों नहीं इस्तीफा ले रही बीजेपी? देखिए, अब ये तो वो बताएंगे ना, देश की जनता को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, गृहमंत्री से पूछना चाहिए। हम लोग तो जब बरकरार कह रहे हैं, मैं आज भी जिस सभा में जाता हूं मैं वहां यही कहता हूं कि 7,509 किसानों की शहादत मत भूल जाना। अगर कोई भूल गया तो वो किसान नहीं है। महिलाओं के सर फूटे हैं, उसे भूल गया वो किसान नहीं है। 13 महीने की सड़कों पे किसानों की तपस्या को भूल गया वो किसान नहीं है। जो लखीमपुर की घटना को भूल जाएगा वो किसान नहीं है। तो ये मुद्दे चल रहे हैं। देखिए, जब महंगाई का, बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा का, ये जब
सारे मुद्दे आ रहे हैं ना, तो ये प्रधानमंत्री जो है हमारा ऐसा छलिया है कि एक ना एक छल भेज देता है। क्या हरेंद्र जी किसान नेता कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन शुरू होगा अगर सरकार हमारे समझौते पे खरी नहीं उतरती, तो क्या पहले जैसा आंदोलन होगा? देखिए अभी फिलहाल में एकदम आंदोलन तो स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसा मेरा मानना, हो सकता हो जाए, मैं गलत हो सकता हूं। पहले जैसे बिल्कुल इतनी भीड़ भाड़ इतना, देखिए कोई पता नहीं चलता, ये देश की जनता है, कब खड़ी हो जाए किसी को नहीं पता होता, क्योंकि जब आज़ादी के आंदोलन चले थे ना वो बीच बीच में ऐसे रोके जाते थे आंदोलन फिर उठाता, तो जनता है, जनता को अपने मुद्दों पे लड़ना है। देखिए आज बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर कोई रोजगार मांगता है दोलाठी, अधिकार मांगता है देवलाठी, भेज दो जेल, ये क्या तरीका? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो आप आके जनता से कहो ना कि हमारे बस की सरकार चलानी नहीं है, अलग हटो, कोई दूसरा आएगा, उससे नहीं चलेगी कोई तीसरा आएगा, उससे नहीं चलेगी कोई चौथा आएगा, ये थोड़ा ही है कि तो हमारे बाप दादा कह मरे कि हमें सरकार में रहेंगे जब हमसे चलती नहीं है। आपको नहीं लगता सर कुछ जो किसान नेता है इनका कोई समझौता हो गया सरकार से? नहीं ऐसा नहीं है, अगर एक आध होता तो हो सकता था, आप कह भी सकते थे, 40 लोग हैं। नहीं पर टिकैत साहब तो नहीं चाहते थे कि इस मोड़ पे आंदोलन खत्म हो, इस तरीके से आंदोलन खत्म हो, वो तो उन्होंने तो हमेशा आवाज उठाई है एमएसपी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, जब 40 लोग खड़े थे, 40 लोगों की एक राय होती है, हो सकता है मैं असहमत हूँ और 39 सहमत हैं तो मैं भी सहमत होता हूँ, ये उसमें माना जाता है, क्योंकि बहुमत की राय मानी जाती है जब 40 लोग हमने चुन के भेज रखे थे। मतलब पंचों का फैसला मान्य, सर मान्य होना चाहिए, वो मुझे भी मानना चाहिए, भले ही हो सकता है मेरा कितना भी अहित हो जाए, लेकिन पंचों का फैसला सबको मानना चाहिए, और हमारे सेनापति हैं, हमने चुन के भेजे थे, अच्छा लड़े और हमें भी सिखाया लड़ना, इसके लिए धन्यवाद, पूरा देश आंदोलन की राह सीख गया। पंचों के दबाव में रहे टिकैत साहब? नहीं नहीं, टिकैत साहब पंचों के दबाव नहीं, किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, 40 लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा आवाज अगर एमएसपी की उठी तो गाजीपुर बॉर्डर से उठती थी, हमें एमएसपी चाहिए। हाँ बिल्कुल उठी है और उठेगी, और जब तक नहीं मिलेगी जब तक उठती रहेगी। गौरव टिकैत ने कहा हम जा तो रहे हैं पर खुश नहीं है हम। हाँ सच्चाई है, गए हैं अपने घर गए हैं, खुश नहीं थे, खुश उस दिन होता किसान जब उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपकी नजरिया, आपने 13 महीने आंदोलन वहाँ गुजारे हैं, क्या अब आंदोलन शुरू होगा दोबारा से, या पर ये बयानबाजी है? नहीं होगा, अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा। अभी देखो अभी चुनाव है, इस चुनाव से निपटेंगे और उसके बाद फिर आंदोलन की रूपरेखा जरूर तैयार होगी, सब लोग मिलकर फिर लड़ेंगे। लेकिन कुछ जो किसान नेता उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना लिया, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो, देखिए हाँ अभी टिकैत साहब, देखिए चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, देश के हर नागरिक को अधिकार है, और संयुक्त किसान मोर्चा का नाम यूज नहीं कर सकता चाहे वो कोई भी है। अब वो फिर जब ये मीटिंग बैठेगी और जब सारे बैठेंगे तब क्या निर्णय लेंगे संयुक्त किसान मोर्चा, तब की सबकी नज़र है कि चरुणी जी को क्या कहा जाएगा या चरुणी जी क्या जवाब देंगे, दूसरे जो और लड़ने जा रहे हैं वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि टिकैत साहब कह चुके हैं कि 4 महीने की सब छुट्टी पे गए हैं, और छुट्टी पे जाके कौन कत्ल कर रहा है, कौन जो है शादी कर रहा है, कौन अपने बच्चों की शादी कर रहा है, जब वो आएगा तब उससे जवाब लिया जाएगा 4 महीने में क्या हुआ, तब निर्णय होगा। मोर्चा की जो 40 वो थी कमेटी, उसमें से 22 कमेटी ने पार्टी बना ली मिलकर के? कोई बात नहीं, वो जब आएंगे सबसे जवाब लिया जाएगा, जो राजनीति में चला जाएगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक नियम था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना कोई हमारा नाम यूज करेगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा का नाम यूज नहीं कर सकते, बाकी आजाद हैं, तुम भी चले जाओ मैं भी चला जाऊं। किसानों का समर्थन मिला था उनको किसान आंदोलन में, उन 22 संगठन है जो किसानों के, क्या उनको राजनीति में सपोर्ट मिल पाएगा उस तरह से? नहीं मिलेगा, ये लिख लो, क्यों? देखिए मैं हूँ, हो सकता है मुझे देश के लोग प्यार करते हो, हैं? वो मुझे प्यार क्यों कर रहे थे कि मैं आंदोलन का हिस्सा था, जरूरी थोड़ा ही है कि मैं जाके कल को चुनाव लड़ूं और वे मुझे जुता कर वहाँ भेज देंगे, नहीं, मुझे वो राजनीति, मुझे जो आंदोलनकारी अच्छा मानते हैं, तो मैं आंदोलन में सफल हूँ।